आप नाम सुने होंगे सरदार सरोवर बांध, किस नदी के किनारे बनाई जा रही थी? तो नर्मदा नदी। एक आंदोलन चला था 1985 में जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो नर्मदा नदी के पानी से बहुत सारे लोगों को खेत में पानी मिलता था, अन्न उपजता था, पीने का पानी लोगों को मिलता था। तो 1985 में सरकार ने एक नियम लाया कि नर्मदा नदी पर एक बहुत विशाल बांध बनाया जाए जिसका नाम सरदार सरोवर बांध रखा जाएगा। तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि अगर आप यहाँ पर बांध बनाएंगे और यहाँ पर कारखाना बैठाएंगे, नर्मदा नदी के पानी से आप बिजली का उत्पादन करेंगे, तो बताइए हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा, पानी की कमी आएगी, खेत में अन्न नहीं होगा। तो लोगों ने क्या किया, इस बांध का जमकर विरोध किया और इसी का नाम दिया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी नर्मदा नदी को बचाना था। सरकार जो नीति लाई थी, सरकार का जो परियोजना था कि नर्मदा नदी पर बांध बना के वहाँ पर बहुत सारा कारखाना बैठाना है, बहुत सारा बिजली का उत्पादन करना, बहुत सारे नए नए चीज़ों का उत्पादन करना, तो इसी का लोगों ने विरोध किया था। क्या किया, इसी का लोगों ने विरोध किया और बोला कि यहाँ पर कोई बांध का निर्माण नहीं होगा, बोला कि यहाँ पर कोई कारखाना मशीन नहीं बैठेगा, यहाँ पर नर्मदा नदी को ज्यों का त्यों छोड़ दिया ताकि लोगों को आवश्यकता के अनुसार पानी मिलती रहे। तो इसी को कहा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कल कारखानों को, मशीनों को, बांधों को बनाने से रोकने वाला जो आंदोलन चला था उसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रश्न आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर थे और उसके बाद बाबा आमटे थे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो मेघा पाटेकर को ही क्या मानी जाती है, इसका प्रमुख प्रणेता मानी जाती है। तो नर्मदा नदी का कहानी कुछ रोचक है, बेचारी को धोखा मिला तो उल्टी दिशा में बहती है। तो प्रश्न आता है कि कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो कौन, वो गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, ये सब कोई नहीं है, वो है नर्मदा नदी, जो हमेशा कौन सी दिशा में बहती है, उल्टी दिशा में नर्मदा नदी बहती रहती है। अपने पति यानी अपने जिससे शादी सेट हुआ था सोनभद्र, उसी से धोखा मिलने के कारण उल्टा दिशा में बहती है। और सबसे रोचक चीज़ है कि ये कहाँ जाके मिलती है, ये जाके मिलती है अरब सागर में। देश की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, ये बेचारी जाके मिलती है अरब सागर में।